हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। सो गाइस, मैं अभी सिलीगुड़ी पे हूँ। मैं कल आ चुका था और आज मैं आप लोगों को ले जा रहे हूँ सबसे बड़ा मॉल। सिलीगुड़ी में सबसे बड़ा मॉल है, इसका नाम है वेगा सर्कल। और इधर आप लोगों को जंक फूड एंड सभी मतलब फास्ट फूड वगैरह वगैरह भी मिल जाएगा। और थोड़ा बहुत डिज़ाइन जो है और लंदन थाईलैंड तरह का है, एंटी डिज़ाइन सब ओपी है। और इधर जो मतलब म्यूजिक बजते हैं ना, क्या ही बोलूँ। और इधर सब भी लोगों का मतलब टॉय टेन वगैरह वगैरह सब है। धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को सभी एक्सप्लोर कराता हूँ। आप लोग इधर का लोकेशन देख सकते हो और इधर यहाँ से एंट्री होते हैं गाइस। सो गाइस, आज मेरे साथ आया है छोटो मसी एंड आराध्या। ये मेरा सबसे मतलब क्यूट एंड स्वीट सिस्टर है एंड मेरे साथ मॉम भी है। और इधर का मतलब बंगाली ट्रेडिशन भी ज़्यादा चलता है ना। और इधर टॉय टेन वगैरह वगैरह आप लोगों को सब मिल जाएगा। और इधर सभी मतलब 100 करके प्राइस है। और इधर सब मतलब ब्रांड फुल कपड़े वेराइटीज आप लोगों को मिल जाएगा। और हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ऊपर मतलब मौसी को कुछ लेना है और मुझे भी कुछ। देखते हैं क्या क्या लेते हैं, अच्छा लगेगा तो ले लूँगा। और इधर मतलब सभी मतलब चीज़ क्या ही बोलूँ, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। और इधर एक ना म्यूजिक बजता है, मतलब बहुत ही स्वीट है म्यूजिक और बहुत ही अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। और हम लोग अभी अंदर की ओर जा रहे हैं। इधर मतलब 5-6 फ्लोर है। और इधर देख सकते हो इसका नाम है आराध्या, ये बहुत ही बदमाश है। एंड गाइस, इसको ना हम लोग अभी जाके मतलब स्कूल से उठा के लाए थे और गाड़ी में कपड़ा वपड़ा चेंज करके सीधा मॉल पे आ गए। मुझे भी मालूम नहीं था हम लोग मॉल पे आएंगे। खरीद सकते हो 7000-8000 ऐसा प्राइस है। और नीचे जो देखे हैं आप लोग उसका मतलब और चार्ज फुल है, मतलब एक राउंड मारेगा 100 लेगा। और इधर आप लोगों को पूमा एडिडास सभी स्पोर्ट्स का माल मिल जाएगा। वेराइटीज ब्रांड्स है, मतलब जो मतलब इंटरनेशनल ब्रांड्स है उसका भी मतलब माल मिल जाएगा। पूमा एडिडास बोल लो, नाइकी बोल लो, मैक्स बोल लो, डेनिम बोल लो, सभी कलेक्शन है। और इधर का मतलब कलेक्शन बहुत ही अच्छा है। और उससे क्या चाहिए देखते हैं। मतलब ना आप लोग मतलब रेंट लेके इस मॉल पे आप लोग भी शॉप दे सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने शॉप दे रहा है। और इधर हम लोग अभी मौसी ने कुछ लेना है ना तो लेते हैं और देखते हैं कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। और लेडीज़ का वेराइटीज बहुत है गाइस, क्योंकि इधर पे मतलब नेपाल मतलब सिलीगुड़ी के सामने नेपाली लोग बहुत है एंड बंगाली एंड बिहारी सभी लोग हैं। भाईचारा बहुत ही अच्छा है, मिलजुल कर रहता है। और नेपाल से भी इधर विजिट करते हैं ना। और मतलब दार्जिलिंग शिलांग वगैरह सब सामने है। इसको देखो, कैमरा ऑन करने में भी शर्म आ जाता है इसका। और इधर देख सकते हो, ये देखो डूड क्या ऑसम शूज है। गाड़ी को देख सकते हो पूरा थार जैसा या फिर मॉन्स्टर ट्रक जैसा फाइव दे रहा है। अगर बड़ा होता तो मैं ही ले लेता। सो गाइस, इधर का मतलब जो काइट का डिजाइन है वो बहुत ही अच्छा है। और हम लोग अभी वॉशरूम पे जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्योंकि आधे तक वॉशरूम जाना है बोल रहा था। तो इसको स्कूल से उठा के लाया था ना तो उसका बैग मैं पकड़ रहा हूँ अभी फिलहाल। और इधर लिफ्ट वगैरह वगैरह है, इतना 5-स्टार वाइब दे रहा है। और लिफ्ट भी वॉशरूम के सामने है बोल दे रहा हूँ। और कोरोना आया था ना इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करता था, इसलिए मतलब वो लोगों ने दे दिया था। अब ये सभी मतलब नॉर्मल शॉप में भी दे देता था। सो गाइस, इधर का मतलब देख सकते हो हम लोग अभी सेकंड फ्लोर में है और ऊपर भी है 3-4 फ्लोर। और आप लोग उधर नीचे जो है ना उधर फास्ट फूड का मतलब ढेर है, क्या ही बोलूँ, रेस्टोरेंट है। ऊपर KFC है शायद। और जब मैं छोटा था ना जो सीढ़ी है इसका मतलब इंग्लिश में क्या बोलता था भूल गया था, कमेंट में बता देना प्लीज़। तो मैं जब छोटा था तब मुझे समझता था अगर पाँव घुस जाएगा शायद, बाद में मैं तो दौड़े दौड़े जाता था। और इधर लेडीज़ का वेराइटीज़ देख सकते हो ना कितना अच्छा है। और काइट का लोकेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, फ़ोटोशूट करते हैं अगर DSLR लाते तो फ़ोटोशूट तो बहुत ही अच्छा होता। और अगर मेरा फ्रेश लुक होता तो रील्स बनाने का ढेर लगा देता था, क्या ही बोल सकते हो। इन लोगों को कोरोना हुआ है क्या करते हैं, नहीं तो और एक दिन आएंगे बिहारा तो मुझे लोकेशन लगाएगा इस देखो देख सकते हो। लेकिन मैं जब छोटा था ना मुझे मतलब चीज़ चाहिए तो मतलब चाहिए तो मैं ऐसे बैठ नहीं जाता था, लेकिन ये और आरू ही बैठ जाता है रास्ते में तो देना पड़ेगा ही। जिसको अभी चॉकलेट खाना है तो इधर मतलब 100 ग्राम लेना पड़ेगा कम से कम। और 100 ग्राम का प्राइस एटलीस्ट 300-500 है। और जो मतलब चॉकलेट वगैरह है वो सब 700 ऐसा प्राइस था, क्या ही बोलूँ। अभी बहुत खुश है, चॉकलेट पा गया ना, क्या ही बोले। सर जाते हैं क्योंकि आरवी का छुट्टी हो गया ना, उसको भी लेना है। और उधर मासी एंड मॉम है और मॉम को देख सकते हो। और अभी नीचे जाते हैं और आराध्या को तो लेके आया हूँ, आरवी को ले जाते हैं। और इधर का लोकेशन बहुत ही अच्छा था।
नववर्ष जो था ना, तो उसमें डेकोरेशन क्या था, तो इसलिए वो अभी भी है। अभी शायद दुर्गा पूजा में ये चेंज होगा, दुर्गा पूजा माँ का कोई डेकोरेशन करे। चलो क्या नो देखा दो टाटा बाय जाए के जाए है अब उसको क्या चाहिए, बोल भी नहीं रहा है और मतलब गुस्सा कर रहा है। और आरोह को पिलाना है ना, उसको छुट्टी हो गया है तो नहीं तो वेट करता रहेगा। तो देख सकते हो रो रहा है। इधर टॉय ट्रेन है और मैं दुख की बात है, मैं इधर उठ नहीं सकता क्योंकि 10 साल के ऊपर का बच्चे के लिए नहीं है और मैं तो 19 का होगा इस, तो मेरा तो नहीं होगा और मेरा समय पे नहीं था शायद। मैं मतलब वो वाला टॉय ट्रेन पे उठा था जो वो था। और इधर सभी आप लोग ले सकते हो, एक राउंड मारेगा 100। और थोड़ा बंजिंग जंपिंग टाइप का है, राइड वगैरह वगैरह है बच्चों लोगों का, सभी 10 ईयर्स के अंडर। ट्रेन पे चढ़ना है ना, देख सकते हो कितना अच्छे से स्माइल ले रहा है और बहुत ही क्यूट है। एंड इसका जो वॉइस है ना बहुत ही स्वीट है, क्या ही बोलूँ, बहुत ही प्यारा है। और अभी मम्मा के ओर देख रहा है आरे इतना और मुझे अंदर जाने के लिए बोल रहा है। और इसको ये पहले राइड पे चलाते हैं और हम लोग अभी करा के घर पे जाए। सो गाइस इधर मतलब शूटिंग है, इधर मतलब 3D गेमिंग वगैरह कर सकते हो। और इधर ब्रेक डांस है जो मैं खाट पीटा में उसका हालत बुरा हो गया था। और थोड़ा बहुत बंजी टाइम पिन जैसा है और इधर सब है 100 करके है। और उधर देख सकते हो इधर का जो स्टैचू है वो देख सकते हो, क्लासिक है एंड बौद्ध का है शायद। और अभी ये ट्रेन जा रहा है और टैटू बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर लड़की लोग टिकटॉक बना रहा है और सेल्फी वगैरह खींच रहा है, बेसिकली ज़्यादा लोग रील्स वगैरह बनाने के लिए आते हैं, मैं भी तो ब्लॉग बनाने के लिए आया हूँ। और ये ट्रेन देख सकते हो और आप लोगों को ट्रेन का शॉट दिखाता हूँ। और देख सकते हो भेगा सर्कल कितना बड़ा है, वाइड एंगल में दिखा दिया आप लोगों को। आई थिंक भेगा का मीनिंग भी बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम मतलब बड़ा मॉल बोलते हैं ना उस, ऐसे ही इंग्लिश में भेगा सर्कल बोलते हैं। और ट्रेन देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। सो आज के लिए इतना ही।